Hey there, welcome back boys and girls to ARK Survival Evolved, जहां पर पिछली बार हम लोग गए थे बहुत ही दूर एक आइलैंड पे और वहां पर हमें एक टेक रैप्टर मिला था जो कि बहुत ही क्रेजी चीज थी। हमने उसको टेम भी कर लिया था पर अनफॉर्चुनेटली उसको एक सेवर टूथ ने मार दिया था। उसका रीज़न यार मुझे अभी पता चला है, उसका रीज़न ये है कि वो न्यूट्रल पर नहीं था यार हमारा टेक रैप्टर। अगर न्यूट्रल पर होता तो वो भी हिट करता उस बंदे को, इसलिए एक वो एक दिक्कत हो गई, वो मर गया यार। अब अगली बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जब भी मैं एक नया डायनासोर टीम किया करूंगा उसको अकेला छोड़ूंगा तो हमेशा न्यूट्रल पर छोड़ के जाऊंगा यार। एक तो इतना अच्छी लेवल का था ना वो, 77 लेवल का था यार, तो मुझे अभी भी काफ़ी बुरा लग रहा है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। तो इस बार मैं घर पर आया हुआ था, मैंने पूरा स्टॉकअप कर लिया है, 40 मैंने एरोज़ ले लिया, आई थिंक दिस शुड बी रियली इनफ। और मैंने काफ़ी सारे नॉर्मल एरोज़ भी ले लिए हैं एंड ऑल्सो सम नार्कोटिक। सो एक और काम करता हूँ मैं, मेरे पास जितना भी नार्कोटिक पड़ा है ना, एक्चुअली मैं सारा ही ले लेता हूँ जस्ट इन केस मुझे वहाँ पे ऐसा लगे कि यार, ओ एक सेकंड, गलत चीज़ डाल दी। जस्ट इन केस मुझे लगे कि यार मुझे थोड़े ज़्यादा एरोज़ बनाने चाहिए नार्कोटिक वाले, तो मैं इनको कन्वर्ट कर लूँगा। ओके, दैट शुड बी फाइन। और बाकी मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बनाना है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेक माई गिली सूट जस्ट इन केस मुझे एक अच्छी लेवल का टैपी हारा मिल जाए तो मैं ज़रूर उसको लेके आना चाहूँगा। मैं हमेशा मतलब ये सोचता हूँ कि यार काश मैं अपना गिली सूट लेके आता तो अच्छा रहता। तो रिग्रेट करने से अच्छा तो यही होगा कि मैं अपना गिली सूट लेके चलूँ। ओके देन, दैट शुड बी इट, आई थिंक वी आर रेडी टू गो। ही हैज सम फूड, मैंने लैरी को भी फूड दे दिया था, तो या लेट्स गो गाइस। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बीच में जाऊँ मैं। तुम जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडवुड फॉरेस्ट। सो आई थिंक मैं रेडवुड फॉरेस्ट के अलावा बाकी सब कुछ गोल गोल घूम के थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ यार। एक और टेक पैरासोर, भाई यहाँ पर टेक पैरासोर की बरसात है, टेक पैरासोर ही टेक पैरासोर हैं बस, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। वो डिप्लोडोकस एक्चुअली काफ़ी अच्छी लेवल का है, बट आई एम लुकिंग फॉर अ इवन बेटर लेवल डिप्लोडोकस। अगर पकड़ूंगा तो ऑलमोस्ट लाइक 50 लेवल का पकड़ूंगा मैं, 50 लेवल से कम का नहीं पकड़ रहा। रैप्टर्स तो ऑफकोर्स है ही यहाँ पर हमेशा से, पर अब यार नॉर्मल रैप्टर्स पकड़ने का फ़ायदा नहीं है ना। नॉर्मल रैप्टर्स तो मैं ही ब्रीड करा लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है, मेरे पास ही हैं इतने सारे रैप्टर्स कि मैं। ओए ये बैरी ऑनिक्स है क्या? आई थिंक आई डू वॉन्ट अ बैरी ऑनिक्स एक्चुअली। मैंने काफ़ी सारा सुना है इनके बारे में और काफ़ी अच्छा क्रीचर है, मैं भी कई बार फंसा हूँ उनके चक्कर में, पर आई वॉन्ट वन फॉर माई सेल्फ मैन। या इट इज़ अ बैरी ऑनिक्स लेवल 41, एक्चुअली इट्स प्रीटी गुड। तो ये वाटर क्रीचर है एंड ऑल्सो इट इज़ अ लाइक लैंड क्रीचर आई गेस। इसको लैंड पर भी तुम यूज़ कर सकते हो, दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ओ दिस इज ऑल्सो बैरी ऑनिक्स आई गेस, आई थिंक सो। नो दिस इज़ अ इग्वाना डॉन। ओके तो यहाँ पे कुछ रैप्टर्स थे आई थिंक सो। अच्छा एक सेकेंड, मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है, पर यार एक चीज़ है वैसे, ये हमको वो स्टन कर सकता है ना। हाँ वो दिक्कत हो सकती है भाई, ये बंदा स्टन कर देता है यार। तो मैं इसको ट्राई करने वाला था कि उठा लूँ, पर अब यार पता नहीं है कि हो पाएगा काम कर नहीं हो पाएगा। ओके एटलीस्ट लेट्स ट्राई टू टीम हिम। यहाँ पे आसपास थोड़ा देख लेता हूँ मैं कि कोई गंदे बंदे ना हो बस, फिर हम लोग टीम करने का ट्राई कर सकते हैं इसको, अगर उस साइड ना जाए तो। ये भाई इधर इधर रहे, इधर 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 इधर, ए ए इधर इधर, कहाँ है तू? इसने देखा मुझे? आई डोंट थिंक इसने मुझे देखा है। देख ले भैया, हमका भी नोटिस कर लो कभी यार। इसमें ये मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, तो आई थिंक आई शुड लाइक पिक हिम अप देन। ओह शिट, ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है बैठने के लिए। नो नो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट डूड, इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू सिट, कम ऑन मैन। ओके लेट्स फ्लाई अवे, इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू सिट हियर डूड, यू शुड नॉट हैव डन दैट। उस साइड जाके बैठ जा भले ही, पर इधर मत। ओ उधर उधर तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, उधर तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे पीछे आ रहा है क्या अभी भी? नो आई डोंट थिंक सो। चलो इधर ही बैठ जाते हैं फिलहाल के लिए। उसने वैसे मुझे स्टन नहीं किया था, तो आई थिंक ही कैन ओनली स्टन वाइल आई एम इन वाटर। ओके दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, आई मीन स्टन कर सकता था वो अगर वो चाहता तो, पर इसकी हेल्थ मैंने काफ़ी अच्छी कर रखी है। चलो ये अच्छी बात हुई, हेल्थ अच्छी खासी बढ़ा दी थी मैंने इसकी, फिर भी काफ़ी कम कर दिया यार इसने। लगता है कि बस मतलब कम कम हेल्थ जा रही है, पर जाती बहुत है। ओ टैपियारा, ओ यहाँ पे टैपियारा अटका हुआ है। ओके इज दिस अ सेम टैपियारा जो मुझे कुछ दिनों पहले दिखा था, पर ये भाग। ओ मैन, अरे यार ये चीटियाँ यार सच में दिमाग ख़राब करती हैं यार सच में। एक सेकेंड मुझे थोड़ा दूर हटके ये टैपियारा का थोड़ा समरी देखना पड़ेगा।
आ जाओ यार चीटियाँ, तुम पागल कर दो मेरे को। नहीं लेवल 20 का टैपी हारा ये तो भाई, वो 80 लेवल का टैपी हारा जो मुझे दिखा था ना एक बार, लेजेंडरी चीज़ थी भाई वो तो। अरे यही तो वो जगह जहाँ पे पिछले बार मुझे क्वार्टसेल दिखा था, यही थी शायद से वो जगह। तो अभी नहीं देख सकता वो क्वार्टसेल, मतलब क्या पता दूसरा आ गया हो, पर वो वाला तो नहीं होगा। क्योंकि क्या था कि मैंने लेवल बढ़ाई थी ना, तो मेरे को फिर डिलीट करने पड़े सारे डायनासोर्स। सो आई हैड टू डिलीट ऑल द डायनासोर्स, जो जितने भी वाइल्ड डायनासोर्स थे मेरे आइलैंड पे, जिससे नए अच्छी लेवल के डायनासोर स्पॉन हो सकें। तो या आई टू डू दैट, सॉरी, पर अभी क्या पता है अच्छी लेवल का क्वार्टजेल आ जाए, फिर तो हम लोग पक्का पकड़ लेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर मेटल वैसे यार कुछ ज़्यादा ही है, ये तो देखने वाली बात है। देखो कितनी बड़ी बड़ी मेटल की नोट्स हैं। ओके, इजंट दैट रैप्टर लिटिल बट टू बिग? क्या है भाई ये, इतना बड़ा रैप्टर कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है भाई? ट्राइसेरॉटॉप्स साइज का रैप्टर, अल्फा रैप्टर लेवल 7, पर इतना बड़ा रैप्टर कब से होने लगा भाई जो ट्राइसेरॉटॉप्स के साइज का हो? भाई मैंने आज तक नहीं देखा यार। ओके एक और इतना बड़ा रैप्टर है भाई, इतने बड़े रैप्टर्स कब से आने लगे यार? मैंने कभी इतने बड़े रैप्टर्स नहीं देखे यार, इतने बड़े साइज के। ओके दो दो अल्फा रैप्टर्स हैं, लाइक शुड आई गेट दीज गाइज अवार्ड? अभी ज़्यादा लेवल के नहीं है, सो इज दिस अ गुड आइडिया? एक 10 का है और एक 7 का है, और उनके ऊपर एक एरो का साइन भी बना हुआ है जो शायद से ये दर्शाता है कि वो बूस्टेड हैं या बड़े हैं, पता नहीं क्या दर्शाता है। देखो ये एक नॉर्मल रैप्टर का साइज इतना होता है भाई, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बड़े हैं भाई वो लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? डोडोरेक्स वगैरह हैं क्या वो? जो डोडोरेक्स सुना है मैंने वो हैं क्या ये लोग? पता नहीं क्या ही है भाई। इस पर भी देखो, इस पर भी साइन आ रहा था कुछ, अभी थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर बाद चला गया, पता नहीं भाई। ये तो जगह अलग ही है, क्या है कहाँ पे ये जगह? अच्छा यहाँ पे मैं ऑलरेडी आया नहीं था, ये मैंने अभी नई खोली है जगह, मुझे पता नहीं था ये सब होता है यहाँ पे। एक को मैं अगर उठाऊंगा तो दूसरा वाला मेरे पे धमक जाएगा, तो अब समझ में नहीं आ रही क्या करूं मैं। ये लोग किसको मार रहे हैं? एक शेल वाले बंदे को मार रहे हैं, तो आई कैन एटलीस्ट ट्राई टू लाइक कैप्चर वन ऑफ हिम, पर एक दिक्कत हो सकती है, वो फिर एक मेरे को मारने लग जाएगा, हो सकता है कि एक उनमें से एक मुझे मारने लग जाए। देखो अब तो हेड बाय हेड कंपैरिजन भी दिख रहा है भाई, उनके बगल में नॉर्मल रैप्टर्स खड़े थे और वो कितने छोटे लग रहे थे। ओ नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, शिट, ओके शिट, वी आर डन, शिट। ओके ये लोग अच्छा है कि दूसरे लोगों पे लगे हुए हैं, वरना वी आर डन मैन। ओके वी आर डन, थोड़ा सा स्टैमिना ला जल्दी से भाई, थोड़ा सा स्टैमिना लेके आ जल्दी से। ओके नाइस, ओ भाई निकल लो। ओ भाई ये मरवाता मेरे को यार आज तो भाई, कैसे टाइम पे तेरा स्टैमिना जाता है बे? इतना तो मेरे को टेरेनोडॉन ने भी नहीं परेशान किया भाई जितना तू कर रहा है। मेरे पे एग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं यार ये लोग? हैं देखो अब एक हुआ, नहीं हुआ यार ये एग्रो, पता नहीं कैसे मेरे पे एग्रो नहीं हो रहे हैं ये लोग, फॉर सम वियर्ड एस रीजन मैन। ओके एक को मैं उठाने का ट्राई किया था पर ये उठा नहीं पाया मैं इसको, पर फिर भी मैं काफ़ी दूर लेके आ गया हूँ इसको, इसके होड से। ओके लेट अस ट्राई टू किल हिम, हाउ मच लेवल इज ही एक्चुअली? यार ये चीटियाँ भाई, चीटियाँ परेशान करेंगी पक्के से जब मैं अपना मिशन कर रहा हूँ तब। निकलो भाई यहाँ से तुम लोग, निकलो पकड़ो, ये भी मर जा यार तू। यार मेरे ऐसे स्टैमिना काफ़ी जा रहा है यार वैसे, डोंट वांट टू डाई हेयर मैन। फॉर सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू पिक हिम अप, और या फिर मैंने सही से ट्राई नहीं किया होगा शायद से, सो आई एम गोना ट्राई इट अगेन, मे बी दिस टाइम वी कैन पिक हिम अप। ओके दैट वॉज अ बैड ट्राई, लेट्स नॉट ट्राई लाइक दैट अगेन। ये मेरे ऑटर भाई बहुत ज़्यादा लड़ रहा है यार, अगर ऐसे ही लड़ता रहना ये तो मैं बता रहा हूँ पक्का मरेगा ये। मेरे ऑटर ने मारा था भी उन चीटियों को। ओके देन लेट्स ट्राई अगेन, ट्राई नंबर 3 पॉसिबली। ओके फेल अटेम्प्ट, ओके वी डिड हिट हिम, पर इसने हमें 33 डैमेज किया एंड वी डिड 34 डैमेज आई गेस, और हम मुझे पक्के से पता है कि उसका हेल्थ जो है हमसे ज़्यादा ही होने वाला है, सो वी हैव गॉट अ डिसएडवांटेज एट दैट साइड। तो अब पता नहीं कि हम लोग इसको कब मार पाएंगे, कैसे मार पाएंगे, वी गॉट अ सी नाउ, वी गॉट अ सी। ओह ड्रॉप आई हुई है यहाँ पे, मेरे को दिखी भी नहीं। आँखें चकाचौंध कर दी कतई हमारी तुमने।
बाप रे, ड्रॉप ही आ रखी है। देखें जरा क्या है। ओह, स्कोप अटैचमेंट, ये तो मुझे चाहिए ही था। और पैची राइनोसॉरस सैडल, क्या बात है। दो चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं गाइस। तो सही चीज़ है यार, जो चीज़ हमें चाहिए थी सही में वही मिली है। अब यार स्कूप अटैचमेंट तो एक काम करता हूँ, चलो इसके पास छोड़ देता हूँ। पैची राइनोसॉरस अगर मिल ही गई है सैडल तो पकड़ ही लेंगे उसको कभी ना कभी हम। फिलहाल हम इस अल्फा किल पे ट्राई मारते हैं, देखते हैं कितनी देर में मार पाते हैं इसको हम लोग। एक तो इधर उधर भाग जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। हैं, ये कैसी आवाज़ आ रही थी अभी? व्हाट, ये कैसी आवाज़ थी गाइस? हा, ये किसकी आवाज़ थी? ओह यस, ओके, दैट इज इट फॉर दिस गाय, वी हैव फाइनली किल्ड हिम मैन। बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई, मतलब हद ही ज़्यादा टाइम लगा है हमको। क्या क्या मिला है भाई हमको? ये ओह वाओ, नई रेटी। ओह भाई क्या बात है, तो हमको काफ़ी अच्छी अच्छी रेटी के सामान मिला है। और ये रैप्टर्स वाली चीज़ तो मिलती है जो उसके स्केल्स रहते हैं। उसके अलावा अब हम इसको शायद से अगर अच्छा इसकी इन्वेंट्री में एक बार जाके चेक करूँ मैं। ओके, इन्वेंट्री में चेक नहीं कर सकते, तो आई गेस आई हैव टू हार्वेस्ट हिम देन, राइट। इसको हार्वेस्ट करेंगे तो हमें, ओह माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा अल्फा मीट मिलता है, वो सॉरी रॉ प्राइम मीट मिलता है। चलो सही है भाई, हमारा ये मजे से खाए। आठ इनग्रेम पॉइंट्स, व्हाट डूड, आठ तो बहुत ज़्यादा होते हैं यार। तो चलो मैं इससे ट्राई करता हूँ कि इसकी 3000 लेवल हो जाए, 3000 हेल्थ हो जाए, जो अब हो चुकी है, क्या बात है। और इसका स्टैमिना मैं 1000 करना चाहता हूँ अगर हो जाए तो। ओके, नहीं होगा, पर ठीक है यार, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया यार, हमें काफ़ी अच्छा सामान मिल गया, काफ़ी अच्छा हमारा स्टैमिना हो गया और हेल्थ 3000 हो गई। बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। और एक और चीज़ मैं कर देता हूँ, मैं अपने आप पर ये लगा देता हूँ, तो ये वाली हेलमेट लगा देते हैं एक। ये तो लगे रहें, तो इसका क्या दिक्कत है? एक ही चीज़ लगा सकते हैं क्या? तो फिर तो हम लोग यही लगाते हैं, यही ज़्यादा सही चीज़ है। हाइट पैंट्स ब्लू कलर के रेटी का, और यार ऑफ कोर्स हमारा नया क्रॉसबो अच्छी रेटी वाला, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। और वीट भी थोड़ा बहुत मैं अपना भी बढ़ा लेता हूँ, वीट की ज़रूरत है अब तो, हेल्थ तो ऐसी हमारी कमी है, मतलब कितनी बढ़ा लेंगे हम लोग, क्या बात है भाई। आज तो मज़े आ गए यार, हमने अच्छे खासे बंदे को मार दिया एक। बाकी बेरीज में रख लेता हूँ जस्ट इन केस, और इसका वीट तो ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। इसको मैं दे देता हूँ एक्चुअली, इसको ये दे देता हूँ और ये दे देता हूँ और ये दे देता हूँ, क्योंकि इसका वेट मेरे से ज़्यादा है ना। इसका वेट देखो 520 है, मेरा 200 है, तो ये मेरे से ज़्यादा हैंडल कर सकता है। पर चलो सही है, यहाँ पे देखो नज़ारा भी मस्त है। यहाँ पे तो एक्चुअली हम लोग आ चुके हैं ना, शायद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सही है भाई, सही है, आज हमें मस्त माल मिल चुका है यार। ब्लू कलर की रेटी का ये मिल गया, ये तो हमें उसमें से मिला था ड्रॉप में से, पर फिर भी चलो अच्छी बात है, क्या बात है यार, आज तो मज़े आ गए यार सही में। ओह वाह, क्या प्लेटफॉर्म है भाई हमारे बैठने के लिए। ये तो यार बहुत सही जगह हो सकती है यार एक बेस बनाने के लिए। जब मैं अच्छी हाई लेवल का हो जाऊंगा तो यहाँ पे आके कुछ तो बिल्ड कर दूंगा मैं। देखो कितनी, मतलब सामने सामने ऐसे लग रहा है कि बिल्ड करने के लिए दिए होने वाली जगह तुम्हें। वो नीचे ज़ीब्रास हैं। ओह ओके ओके, एक्वस है नीचे, एक्वस है। मेरे पास सच बताऊँ तो अभी कैरेट्स नहीं है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, बट आई एम जस्ट कैन क्विकली सी हिज लेवल, हाउ मच लेवल इज ही। और इसको सार को परेशान कर रहा है भाई, 2 लेवल का है वो, वैसे इतनी ज़्यादा लेवल का भी नहीं है। पर मेरे को नहीं लगता एक्वेस को कोई पकड़ पाएगा यार, उसकी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है यार। ऑफ कोर्स पानी में अगर ना जाए तो, पानी में भी काफ़ी अच्छी है उसकी स्पीड। मैं यार एक इग्वानाडॉन आज पकड़ लेता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरे पास थैच की थोड़ी कमी पड़ रही है, और जो फाउंडेशंस होते हैं ना उसमें थैच बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर हमें एक इग्वानाडॉन मिल जाए ना अच्छी खासी लेवल का, कम से कम 30-40 लेवल का मिल जाए, तो मैं उसको ज़रूर से आज पकड़ लूँगा यार। ये तो बहुत ही कम लेवल का था। यहाँ पे काफ़ी सारे इग्वानाडॉन्स घूमते हैं, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एक्चुअली। काफ़ी कम लेवल के डाइनोज हैं यार इस साइड में, तो वहाँ उस साइड में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के डाइनोज थे, बहुत ही प्यारे लेवल के डाइनोज थे उधर। अब ओ व्हाट, यहाँ पे ये कब से है? मैंने आज से पहले कभी देखा कैसे नहीं इसको यहाँ पे। व्हाट, ओके, दिस मस्ट सीम सस्पिशियस माय एग्जिस्टेंस, आई मीन
आई हैव यू टू यू एट अ डिसएडवांटेज आई एडमिट आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ नियर परफेक्शन इन्फॉर्मेशन वाइल यू आर नॉट टू पुट इन माइल्डली नॉट दैट यू आर अनइंटेलिजेंट क्लियरली यू आर वेरी क्लेवर टू फाइंड सो मेनी डिफरेंट यूजेस फॉर थैच ओ थैच के बारे में कही है ये हमसे कोई अलग बंदा कोई बात कर रहा है ओ ओ ये पिछले ईयर में देख नहीं पाया था यार यहाँ पे पूरा लिख रखा है वही हमें पढ़ के सुना रहे हैं क्या बात है ओ ये लोग कौन है बे ये तो ऐसा लग रहा है हमारे ही बंदे हैं मतलब जो हम लोग हैं वही है पर ये कुछ अलग लग रहा है ये कौन है भाई ये कोई ऐसा एलियन एक्स टाइप का है ओके आई डिस्क्रेस अगेन दिस पॉइंट द पॉइंट इज यू हैव नो रीजन टू ट्रस्ट मी मोस्ट एवरी थिंग यू हैव मेट हैज ट्राई टू किल यू सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इट फॉलोज दैट आई वुड डू द सेम यू ह्यूमन्स डू लव योर पैटर्न्स I can't force you to believe me. In fact, I can't compel anyone to do anything. Even when when it comes to digital systems, my control is limited. I merely pass on suggestions, not commandments. So all I can do is ask you to believe in me, as I have believed in all of you. तो पता नहीं किस बारे में बात की इसने पर बोला कि हम पे believe करो. ठीक है कर लेते हैं. ओ भाई साहब इसके चार निग्रेम पॉइंट बढ़ गए भाई इस चीज़ से. मेरे ही बढ़े क्या? नहीं. तो इस पर बैठ के हम लोगों ने किया शायद से इसलिए बढ़ गए हैं. आई थिंक सो. तो हम लोग अभी किसी को मारेंगे तो हमारे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट पॉइंट्स बढ़ेंगे. दैट इज़ गुड. अब हम लोग इससे यार ऑलमोस्ट 1000 स्टैमिना करने वाले थे यार. क्या बात है. ओ अब शायद हो जाए. क्या बात है भाई 1000 स्टैमिना हो गया. चलो नाइस. ओ देखो एक टेरर बर्ड. टेरर बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी सारी घूमती हैं यार. पहले भी मैंने देखी थी एक टेरर बर्ड. वो उधर साइड देखी थी मैंने. इधर साइड जब जाते हैं ना तो मैंने वहाँ पर देखी थी. ये देखो यहाँ पे रेक्स आ रहा है भाई. रेक्सेस क्या स्लो होते हैं भाई. बहुत स्लो क्रीचर्स हैं भाई रेक्स. बहुत गंदा स्लो है ये. देखो ये देखो क्या गंदा स्लो है ये. पर अभी ये रोर करेगा ना तो ऐसी तैसी मार देगा मेरी. ये इधर बैठे ही. कितने लेवल का ये? यही रेक्स ही रेक्स. लेवल 7 का है रेक्स भैया. टाइम पास ना करो तुम ऐसे. छोटे छोटे को छुटकुओं को नहीं मार पा रहे तो मैं क्या करता हूँ यार. ओ ये देखो ये इसका ये चिल्लाना है ना ये थोड़ा खतरनाक है. ओके बट वी कैन सीरियसली किल दिस ड्यूड. बहुत ज़्यादा ही स्लो है ये बंदा. पर फ्लायर से ज़्यादा आसान रहता है पता है. मैं पहले क्यों नहीं मार रहा था सार्को से क्योंकि वो ज़्यादा टर्न नहीं ले पाता सही से सार्को. फ्लायर से क्या उड़ जाओ बाहर जाके. वो है ना बस. इसका एक बार 1000 स्टैमिना हो गया है ना तो अब हमें ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेने पड़ रहे हैं. ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई यार इसकी. हम मार भी ज़्यादा पा रहे हैं. सही है सही है. आई थिंक ही शुड ऑलमोस्ट बी डाउन बाय नाउ. आई मीन मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मार दिया है. उसको ट्राइसेरॉटॉप्स भी मार ही रहा है. नाइस चलो. ट्रायरोनस आम. एक सेकेंड मैंने गलत नाम बोला इसका. पहले इसको मार लेते हैं. क्या मिल रहा है ले लेते हैं. हाँ क्या मिला है हमें? कुछ तो भी मिला था ना. कहाँ गया? इसके पास होगा शायद से. हमें मिला है ट्रायरेनोसॉरस. मैं टी बोल रहा हूँ. टी आम मिला है हमें. टी आम. दिस ट्रॉफी प्रूव्स द वर्थ ऑफ एज अ हंटर. ओके नाइस नाइस. वी डिडंट नीड इट. हम ऑलरेडी प्रूवन है एज अ हंटर बट ओके देन डजेंट मैटर टू अस. मेरा अर्जेंट ट्रैवल्स काफ़ी अच्छा होता जा रहा है यार. मतलब इसको काफ़ी इनग्रेम पॉइंट्स मिल गए. कितने 80 लेवल का तो हो गया होगा ना. 92 लेवल का हो गया ये. अरे बाप रे भाई क्या बात है यार. क्या बात है. हम लोग इसे थोड़े बहुत और रेक्स मरवा देना तो भाई ये बहुत ज़्यादा ओपी हो जाएगा यार. डिमॉर्फोडॉन को नहीं मार पा रहा भाई. देखो ये बंदे होते हैं ये लोग. छोटे छोटे प्यारे प्यारे डिमॉर्फोडॉन्स को मारने की औकात नहीं है इनकी. हमने मार दिया डिमॉर्फोडॉन को. ओके देर ही इज. थोड़ा इससे तो थोड़ा सामान भी मिला इस बार हमें. और लेवल अप तो ऑफकोर्स हम लोग हुए ही. थोड़ा सामान भी मिला इस बार. क्या मिला है भाई सामान में? अच्छा ये सब बकवास मिला है. इसको तो फेंको भाई. ये सब हमें काम नहीं आएगा. इस सब को तो फेंक देते हैं. प्राइम मीट वगैरह मिला है. वो तो नॉर्मल चीज़ है. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वो 3 इस बार मिले क्या हमें पॉइंट्स? क्या बात है क्या बात है. 300 हमने कर दिया इसका मेरे डैमेज. नाइस दैट दे बस. ओ स्पाइनो. कितने लेवल का है स्पाइनो?
काफी दिनों बाद एक स्पाइनो देख रहा हूँ, 62 लेवल का स्पाइनो, ओके, शुड वी लाइक ट्राई टू कैच दिस थिंग और व्हाट? आई मीन वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू कैच दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख तो नहीं रहे हैं गंदे वाले। हाँ वी कैन ट्राई इट एक्चुअली, या स्पाइनो को हम लोग ऐसे, मैंने सुना है कि हम लोग राइड नहीं कर सकते उसको, कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो मैन, एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे डाल के तो देखता ही है। स्पाइनो, ओह स्पाइनो सैडल है तो सही, काफ़ी कुछ लगता है वैसे इसमें, पर आई थिंक वी शुड बी ऑल राइट, लाइक फॉर इफ यू ट्राइंग टू कैच इट वी शुड बी ऑल राइट। द थिंग इज ये रैप्टर्स एक दिक्कत कर सकते हैं, एक तो जो कि इतनी ज़्यादा लेवल के नहीं है। ओके मे बी वी कैन डू दिस एक्चुअली, इनको हवा में अपन लोग मार मार के निकलते हैं। ओके लुल्लू पुल्लू था ये वाला, तो तू भी आजा मेरे लाल। ओए मिस हुई गवा, ओह हो यही तो दिक्कत होती है कई बार, मुझे बस यही डर लगता है कई बारी कि ये लोग पकड़ ना ले मुझे। ओह माय गॉडनेस, ये लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, कपड़े ना फाड़ो हमरे, गलत बात है ये, बहुत ज़्यादा गलत बात है, कपड़े फाड़ना गलत बात होती है, किसी के कपड़े फाड़ना बहुत बिल्कुल भी शोभा नहीं देता तुमको। ओके ओके दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ, दिस इज़ गेटिंग रियली आउट ऑफ हैंड नाउ, आई हैव टू टेक थिंग्स इन माई हैंड नाउ। भाई बहुत ज़्यादा हो रहा था तेरा, बहुत ज़्यादा हो रहा था, आई डोंट लाइक दिस। इधर आ इधर आ, ओके वो उसको मार रहा है, ठीक है मार ही देगा, आ जा इधर इधर आ जा, तू फालतू की बकवास मत कर, मेरी हेल्थ थोड़ी कम है भाई, मेरी मदद कर दे। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, आई नीड योर हेल्प बॉय। बच गए बच गए बच गए, वो बस रैप्टर्स के साथ काम करने में यही दिक्कत आती है भाई, हमारे कपड़े तोड़ दिए भाई इन लोगों ने यार। ओ भाई गंदी सर्दी लग रही है, कोई कपड़े दे दो पहनने के लिए, मेरे पास कपड़े रखे तो हैं वैसे, हाँ कपड़े रखे तो हैं मेरे पास, चलो यही पहनता हूँ ना, क्या रोता रहता हूँ मैं भी। ओके नाउ वी रियली हैव अ गुड चांस टू किल दैट गाय, सो लेट मी सी, लेट्स इंक्रीज द हेल्थ, आई नॉट किल दैट गाय, नो 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 ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू किल दैट गाय, वी गोइंग टू कैच दैट गाय, ही ही हा, लेट्स सी। ओके डोकी, थोड़ा पागल सा हो रहा है लड़का, ओके फॉर सम रीजन ही इज नॉट कमिंग हियर, नाउ ही इज, नाउ ही इज, नाउ ही इज, यू स्मार्ट लिटिल बॉय, एक मिनट रुक जा, बॉय बॉय बॉय, ओए म्यूजिक क्यों बदल गया बे, मैंने क्या किया ऐसा? ओके फ्रॉम हेयर वी कैन लाइक गेट अ गुड एंगल ऑन हिम, लेट्स सी, ओ या वी कैन गेट अ रियली गुड एंगल ऑन हिम, कुछ कर ही नहीं पाएगा भाई इधर से तो। लेट्स ट्राई नॉट टू किल हिम, क्योंकि कई बार ये जो एरोज होते हैं ना वो उनसे थोड़ा सा ये लोग, इनका चांस ऑफ डेथ भी रहता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज समटाइम्स। यार ये बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है अभी, थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है भाई, मत चल इतना अभी तू यार, थोड़ा सा ठहर जा, हमने इस पर काफ़ी तो मार दिए, 62 लेवल का है तो अगर हमें मिल जाए ना ये तो मज़े ही आ जाएंगे भाई, पढ़ तो रहे हैं उस पर सारे शॉट्स, आई होप नो वन इज़ बिहाइंड मी, नाइस। ओहो इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, हाँ जल्दी फटाफट फटा, मम्मी मम्मी बुला रही, मम्मी बुला रही, जल्दी आ, मम्मी बुला रही हैं। ओ इधर से आ सकता है क्या ये? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो मैन, हाँ नहीं आ सकता। ए प्याला प्याला, इसके सिर पे नहीं मार रहा यार, कुछ कह नहीं सकते फिर क्या हो जाए। ये देखो छोटा स्पाइनो बड़ा स्पाइनो छोटा स्पाइनो बड़ा स्पाइनो, वहाँ से घूम के आएगा अभी, है क्यों इतना दिमाग नहीं है क्या? नहीं नहीं है इसमें इतना दिमाग नहीं है भाई कि घूम के आ जाए, थोड़ा अनपढ़ है ये। अरे यार अब किधर तक जाएगा यार बंदा, उधर अटक जाए तो सही रहे यार, ओ चलो अटक गया नहीं अटका, मुझको लगा अटक गया उधर, अटक जाता तो सही रहता यार। चलो नाउ वी रियली गॉट टू हिट आवर शॉट्स मैन, अगर नहीं लगे ना तो फिर हमारे एरोज खत्म हो जाएंगे सारे के सारे और हम लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट, आई होप ही जस्ट स्टेज हेयर। पता नहीं कितने एरो लगेंगे इस पर, मैंने काफ़ी सारे तो यूज़ कर ही लिए ऑलरेडी। इधर आ जाइए भाई मेरे, थोड़ा अपना काम धाम करके इधर आ जाइए प्लीज़,
नहीं तो इसको इधर से मारने का भी ट्राई कर सकता हूँ मैं, पर अब मेरे को ये नहीं पता कि ये कितने एरो में होगा टीम, मैंने इस बार देखा नहीं है, तो अगर नहीं हुआ ना 12 एरोज में तो दिक्कत हो जाएगी शायद। इसका अटेंशन हमें फिर से गेन करना पड़ेगा मे बी। ओए स्पाइनो, ओ यस नाइस, इधर आ इधर आ यार, मेरे पीछे आना क्यों नहीं चाह रहा है अब, आई डोंट नो मैन, आई एम गोना लैंड हेयर मे बी। ओके ओके आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आने देते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे नहीं करते भाई, पागल हो रहा है ये तो। इधर आ इधर आ, अरे भाई ये छोटे छोटे जानवर मारने लग जाते हैं, बड़े बड़े डाइनोस, ये दिक्कत आती है बस इनके साथ, इनके साथ खेलने का इसलिए मन नहीं करता मुझे क्योंकि ये लोग पागल होते हैं। इधला इधला स्पाइनो इधला, ओके ये अटकाए ना अब सही जगह पे, नाइस वापस चला गया। लो कहाँ भाग रहा है बे, कहाँ भाग रहा है बे, क्यों पूंछ उठा के भागने लगे तुम जब पता चला कि अनकॉन्शियस होने वाले हो, मतलब ऐसा करोगे। देखो मैं भले ही पिट जाऊँ इससे, पर मैं यहाँ पे अब रुकने वाला हूँ थोड़ा सा और वेट करने वाला हूँ, एक मिनट में इसको मारने वाला हूँ हेड ऑन हेड, क्योंकि अब ये बस टपकने वाला है, बस 2-3 एरो का काम हो रहा है, इसका काम होने वाला है इसका। रुकियो बे एक जगह, देखता हूँ जरा मैं तेरे को, है रुकियो रुकियो, सब ऐसे ही करते हैं भाई, टेक रैप्टर ने भी ऐसे किया था तुम्हें याद हो तो। ओके इज ही स्टक और व्हाट, आई डोंट नो, बट ये बहुत गलत टाइम पे चलने लगता है अचानक से। ओके ये वाला लगाओ उसको, आई थिंक सो, मेरे पास भाई बस, ओ ओके 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 मेरे पास बस एक ही बचा था, पर ये हो गया आई गेस। ओके या ही इज डाउन एंड लेट्स ट्राई टू गेट दिस गाय। ओ या वेट अ सेकेंड वेट अ सेकेंड, मेरे पास है काफ़ी सारा प्राइम मीट भी होगा, नहीं प्राइम मीट तो नहीं है पर ठीक है चल हो जाइयो फिर भी, ठीक है नखरे मत दिखाइयो भाई, हो जाना यार हो जाइयो प्लीज़। थोड़ा हम लोग हाफ स्प्लिट कर लेते हैं, इसका भी हाफ स्प्लिट कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। ओ यार ये चीज़ें भाई सही में पागल होती हैं। इधर आ इधर इधर, हमको इसको एरो से मारना पड़ेगा शायद से, क्योंकि वरना ये इसको मारने लग जाएगी। कहाँ है ये रही, नाइस, आई होप इसको कोई मार ना रहा हो। और इसका अनकॉन्शियस कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। ओके 62 लेवल का स्पाइनो है गाइस, देखते हैं ज़रा कितने लेवल का हो जाता है वंस वी टेम इट। स्पाइनो स्पाइनो बहुत दिनों से तुम लोग बोल रहे थे टेम करने को, तो चलो आज कर ही लेते हैं, है ना, हो जा भाई जल्दी हो जा बस। हमारे छुटकू स्पाइनो से थोड़ा अलग दिख रहा है ये, पर ठीक है भाई। इसके में ब्लू स्किल्स नहीं है, इसके में ब्राउन स्किल्स हैं। हो रहा है क्या तू भाई, इसकी अनकॉन्शियस थोड़ी नीचे जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा फीड कर देता हूँ। ये वो अनकॉन्शियस तेरे नीचे नहीं जानी चाहिए भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसको मैंने एरोज मार मार के टीम किया है, मतलब टीम करने पर लाया हूँ मैं इसको, हुआ तो नहीं है अभी, है होपफुली हो जाए, पर लेट्स सी। ओह अब क्या आ गया यार, तुम लोग अब क्यों परेशान करते रहते हो भाई मुझे, तुमको मतलब क्या मतलब शर्म नहीं आती क्या, तुम्हें पता है ना भाई यहाँ पे 92 लेवल का ट्रेविस घूम रहा है, 98 लेवल का, ओ 98 लेवल का ट्रेविस घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें। ओ मैन चेक दैट आउट डूड, टेक स्टेगोसोरस, दैट लुक्स डोप AF मैन, दैट लुक्स डोप AF यार। इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ यार, वहाँ पर जितने भी डाइनोज हैं उन सबको मार के आता हूँ मैं भाई, उसको नहीं जाने दूंगा मैं। ओके 24 लेवल की इसकी एफिशिएंसी रहेगी, तो ये 86 लेवल का हो जाएगा, ओह माय फ्रीकिंग गुडनेस दैट्स नाइस। चलो बॉयस ये बहुत अच्छा हो गया। ए बतख निकल रे, पहली फुर्सत में निकल, ऐसे ही नहीं करने का इधर यार। मुझे थोड़ा सा फिर घर पर जाके यार वो लेके आने पड़ेंगे ना ट्रैंक एरोस, या एक्चुअली ओ या आई फॉरगॉट मैंने बोला था कि क्यों ऐसा हो सकता है कि मुझे चाहिए पड़े तो फिर मैं और बना लूँ उधर, तो मैं ज़्यादा लेके चलता हूँ नार्कोटिक, इसलिए मैंने नार्कोटिक ज़्यादा लिया था, तो मैं 20 एरोज और बना लेता हूँ गाइस, जिससे हम लोग उसको टीम कर पाएँ। ओके आई होप नो वन किल्स हिम देयर, मैं वहाँ पर जाके थोड़ा सा एक सफ़र करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि ज़रा रैप्टर्स वैप्टर्स ना हों उधर, रेक्सेस ना हों, रेक्स होंगे तो उनको हम लोग उड़ा के आएंगे, क्योंकि इसकी लेवल काफ़ी कम है, और अगर उसको किसी ने मार दिया तो भाई मेरे को गुस्सा आने वाला है फिर।
मेरा टेक रैप्टर ऑलरेडी मर चुका है पिछले एपिसोड में, सो आई डोंट वॉन्ट दैट. ओके, ये इसको तो काफ़ी टाइम लगने वाला है गाइस, इसको थोड़ा बहुत और एक्चुअली फीड कर देता हूँ मैं जस्ट इन केस, और अभी आता हूँ मैं थोड़ा सा टाइम पास करके यहाँ पे, मतलब देख के कि आखिरकार ये सही है कि नहीं है, अच्छी कंडीशन में है कि नहीं. एक्चुअली ही इज़ इन अ रियली गुड कंडीशन, मतलब यहाँ पे कोई है नहीं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. लेवल काफ़ी कम है हालांकि इसकी, पर ठीक है. आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे. यहाँ पर भी इस साइड भी कोई ऐसा नहीं है खास जो इसको मारेगा, बस कोई स्पॉन ना हो जाए अचानक से. यार ये अर्जेंट ट्रैविस तो मेरा नया क्रॉक हो गया यार, क्रॉक मेरा वाटर में गॉड है और ये मेरा मतलब फ्लाइंग टाइप गॉड हो गया यार अब तो. क्या बात है, हमें दोनों जगह का गॉड मिल चुका है गाइस, और एक हमें अच्छा डायनासोर भी मिल रहा है. क्या बात है भाई, मज़े आ गए आज तो. एंड ये हो गया 25%, नाइस यार. इसके लिए हमें नारकोटिक बहुत ज़्यादा लग रहा है यार. इसकी हेल्थ में थोड़ी बहुत बढ़ा देता हूँ जिससे आते से ही थोड़ी अच्छी लेवल मतलब हेल्थ करे, और इसको हम लोग प्राइम मीट देते हैं. एक सेकंड, प्राइम मीट लेके आता हूँ, रुक जा भाई तेरे लिए. प्राइम मीट, टेक द प्राइम मीट एंड ईट इट बॉय, एंजॉय द प्राइम मीट. ये ले लेता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, और इसको प्राइम मीट खिलाते हैं, देखते हैं प्राइम मीट खाता है क्या. ये प्राइम मीट खाएगा तो एक साथ थोड़ा ज़्यादा बढ़ना चाहिए आई गेस. 98.7% हो गया भाई, क्या मजाक है यार ये मतलब मजाक क्या है. 1.3% के लिए हमको रोक के रखा हुआ है इन्होंने, सही में यार मतलब हद होती है. ओ माय गुडनेस, ये टेक रैप्टर कहाँ से आ गया अचानक से. ओके विल दैट्स गुड फॉर अस, एक्चुअली गुड फॉर अस. अगर ये इसको मारे नहीं तो भाई मत मार, अभी मत मार प्लीज़, अभी बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, अभी मत मार यार. इसको हम ट्राई कर सकते हैं टेम करने का यार. हाँ चल, इसको अपन कहाँ ले चलें, यहाँ ले चलें क्या ऊपर, इसको अपन यहाँ पे लेके चलते हैं, और अब अपन इसको ट्राई कर सकते हैं टेम करने का. ओके यहाँ पे आ सकता है, ऑफ कोर्स ये आ सकता है, पर मेरे को यार एक चीज़ करनी थी पहले. मेरे पास एरोस तो ये वाले रखे हुए हैं भाई, मैं आज क्या क्या टेम करूँगा यार, मैं आज क्या क्या टीम करूंगा. ओके वेट, लेट मी सी मैन, ये थोड़ी कम लेवल का है, आई डोंट थिंक आई केयर अबाउट दैट. ओके हम लोग इसको एक सेकेंड इधर ही छोड़ देते हैं, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही छोड़ के जा रहे हैं गाइस. देखते हैं ये बाद में इसको हम लोग टीम कर लेंगे, पर फिलहाल मैं स्पाइनों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ यार, इनकेस इसको कुछ हो जाए. कहाँ गया हमारा स्पाइनो यार, कहाँ गया, ये रहा. ओके तो मैं इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है. ओह नाइस, क्या बात है, इसका मैं नाम रखने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी सोच के रखा था, इसका नाम मैं रेजर रखूँगा, रेजर. नाम भी को इसका रेजर सही लगा था, तो मैं इसका नाम रेजर रखूँगा. और भाई ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया यार. रैप्टर को अभी मैं ले नहीं जा सकता पता है अपने घर पर, इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए यार. ये पता नहीं मौसम, सॉरी गाइस यार, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है अभी, मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है ये, बट हाँ यार बहुत अजीब मौसम हो रहा है. आई लेट हिम फॉलो मी, मैं उसको घर तक ले जाता हूँ, फिर तुम लोग को अपडेट देता हूँ गाइस. ओए व्हाट, ये इसका अंडा है क्या, मैं अभी जस्ट गेम रीस्टार्ट किया था, ये किसका, ट्रैविस का अंडा है, क्या बात कर रहे हो तुम. एक सेकेंड, ये फर्टिलाइज्ड है क्या. ओ इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग. ओके वेल दैट इज क्रेजी मैन, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. मैं बस गेम रीस्टार्ट करके अचानक से आया और उसने एक पटक दिया अपना. क्या बात है, चलो हम लोग घर पे पहुंचते हैं गाइस. इसका जो भी अटैक्स वटैक्स हैं वो हम लोग यार अगले एपिसोड में देख पाएंगे, पर अगले एपिसोड में काम बहुत ज़्यादा करना है यार सच में. ये देखो यहाँ पे बैरियोनिक्स घूम रहा है, आई होप इसको कुछ हो ना इससे. बैरियोनिक्स कुछ करियो मत मेरे स्पाइनों को, ठीक है, गुस्सा आ जाएगा मुझे, देख लियो फिर. हाँ नहीं तो चल भाई, ओ कुछ कोई तो पड़ा है इसके पीछे, पता नहीं कौन पड़ा है. ऐसे टाइम पे पता है सबसे सही क्या रहता है, सबसे सही रहता है एक टेरेनेडॉन, पर वो मेरे पास अभी है नहीं, मैं लेके नहीं आया उसको, वो बहुत फास्ट रहता है ना, तो जल्दी जल्दी इसको फॉलो करा सकते हैं हम लोग. चलो खैर जो भी है, ओ होपफुली दिस गाई डजंट हिट हिम मैन. कितने लेवल का ये, 10 लेवल का है. मैं तो जल्दी से यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, बस आई डोंट केयर अबाउट दिस डूड, उसको कार्बोनिमा से लड़ने दो. By the way, 64 लेवल का हो चुका है हमारा रेजर, वो हमारी रेजर है, वो फीमेल है, फीमेल नॉट मेल.
जल्दी जल्दी आ जा रेजर रानी, बड़ी से आनी। ये छोटा सा हमारे पास स्पाइनो भी है भाई। इसकी तो स्पीड कितनी ज़्यादा होगी यार, मैं बेचारे को इतना स्लो स्लो ट्रैवल करा रहा हूँ। वहाँ पे कहीं पे अटक गया क्या ये? अच्छा कोई मारने लग रहा था उसको। कौन मार रहा है बे? अरे छुटकू छुटकू चिड़िया यार, मतलब वो सॉरी फिशेज यार। सही में शर्म नहीं आती, स्पाइनों को मारने चली हैं। सही में यार हद होती है। वैसे 64 लेवल का ये है मैं मानता हूँ, पर 84 लेवल का सॉरी, पर एक चीज़ है इसकी हेल्थ काफ़ी कम है। मुझे देखनी पड़ेगी अब कितनी हो गई एक्चुअली, मैंने तब देखी थी जब ये टीम हो रहा था। तो अभी एक बार रुक के ज़रा इसकी हेल्थ वेल्थ चेक कर ली जाए। इसकी 2000 हेल्थ हो चुकी है, तो मैं इसकी 2000 हेल्थ पॉइंट्स में और पॉइंट्स ऐड करता हूँ। 3000 हेल्थ तो कम से कम इसकी कर देता हूँ मैं। इसका मेले डैमेज इज़ प्रिटी गुड आई गेस, मतलब इसके जितना ही है शायद से। नहीं इसका मैंने बहुत ज़्यादा बफ कर दिया था, ठीक है, तो मेले डैमेज इसका ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है, आई थिंक इट्स प्रिटी गुड। मुझे इससे थोड़ा नारकोटिक भी मिल गया, अच्छी बात है। चलो तो हम लोग यहीं पर बना सकते हैं एरोज, हमें ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे नारकोटिक और लेके आना पड़ेगा, हाँ वो तो बात है। वैसे तो अभी घर पर जाएंगे, थोड़ा स्टॉक अप करेंगे, फिर वापस आएंगे। भाई ये तो कतई फास्ट है यार, काफ़ी फास्ट है भाई ये पानी में। एक बार हम लोग इसकी सैडल बना लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कितना फास्ट है ये। पर इसकी सैडल में मैंने एक चीज़ देखी थी कि थोड़ी अलग तरीके से बन रही थी इसकी सैडल, कुछ शायद पर्ल्स लग रहे थे, आई थिंक सो पर्ल्स लग रहे थे। वो मुझे वापस से चेक करना पड़ेगा। पर्ल्स हमारे पास थोड़े बहुत हैं यार, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत पर्ल्स हैं, उनसे काम बन जाए तो अच्छी बात होगी। देख लेता हूँ ज़रा कितने कितने पर्ल्स लगते हैं इसमें। स्पाइनो, स्पाइनो की ये क्या खोल रखा है मैंने, स्पाइनो की सैडल कहाँ है? स्पाइनो की सैडल अच्छा स्मेदियो बनती है इसलिए दिखा नहीं रहा था। 25 से लेकर पर्ल्स, ओके आई एम प्रीटी श्योर वी हैव दैट मच। सीमेंटिंग पेज भी हमारे पास है, फाइबर भी है और हाइट भी है। सो लेट अस मेक दिस थिंग प्रीटी क्विक और उसके बाद हम लोग ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं। चलो बॉयज़ हमारे पास सारा सामान आ चुका है, आइटम अक्वायर्ड, और ये बन गई भाई हमारी सैडल, स्पाइनो की सैडल। क्या बात है यार, मैंने पता एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस एपिसोड में यार मतलब जल्द ही स्पाइनो टीम करने वाला हूँ, क्योंकि अच्छे लेवल का स्पाइनो मिलता नहीं था यार, पर हमें ऑफकोर्स मिल गया भाई अब, और मज़े आ गए यार सही में। चलो वॉइस टेस्ट किया जाए हमारे नए रेजर को, क्या बात है यार, आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई आउट दिस डूड यार। इसकी चलो हमने हेल्थ भी अच्छी खासी कर दी, अब 3000 हो गई। और बाप रे, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर बैठेंगे कैसे जब ये रेजर है इसके ऊपर, पर हम लोग बैठ सकते हैं आराम से, क्या बात है। अच्छा इसका मूवमेंट स्पीड बढ़ाया जा सकता है क्या? अरे यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा है यार सही में। ओके ही इज़ नॉट एज फास्ट एज आई थॉट ही वॉज, बट आई थिंक ही इज़ प्रिटी गुड। या ये बहुत बड़ा है ना साइज़ में, तो इसलिए मुझे शायद लग रहा होगा कि ये इतना इसका मूवमेंट स्पीड नहीं है, बट आई थिंक इट्स प्रिटी गुड एक्चुअली। और हम लोग रेक्ट तो भाई किसी को भी कर सकते हैं यार, यहाँ पर कोई भी आ जाए ना हम ऐसी आराम से रेक्ट कर देंगे। देखो छोटी छोटी बतख हैं। ओ इसका 160 डैमेज कर रहा है यार, क्या बात है। आई थिंक इट इज़ प्रिटी गुड मैन, इट वॉज रियली गुड। इसको मार के देखते हैं एक बार। ओ बाप रे, हमने क्या 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 मार दिया एक बारी में, बाप रे बाप, मस्त यार स्पाइनो। अच्छा सी से क्या करता है ये? सी से चिल्लाता है मतलब ये, अब हाँ चिल्लाया ही है इसने सी से, और कुछ तो किया नहीं है। और राइट क्लिक से क्या कर रहा है ये? कुछ अजीब सा मूवमेंट सा कर रहा है ये, एक बार चेकआउट करना पड़ेगा हमें। अच्छा ये चलो कार्बोनीमस है यहाँ पे लेवल 60 का, या ये वाले कार्बोनीमस पे ट्राई करते हैं। ओके व्हाट द हेल इज ही डूइंग मैन, ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। ओ भाई 160 डैमेज कर रहा है इस पे तो ये भाई, एक्स्ट्रा डैमेज, क्या बात है स्पाइनो, कमाल कर देता है, धोती फाड़ के रुमाल कर देता बॉय। चलो गाइस इस एपिसोड के लिए यार इतना ही, आई होप तुम लोग को मजा आया हो। अगर मजा आया हो तो लाइक मार देना यार, एम करते हैं 4000 लाइक्स के लिए। कैन वी कंप्लीट दिस फॉर दिस स्पाइनो, 84 लेवल का स्पाइनो पकड़ेगा इस हम लोगों ने। और अगले एपिसोड को जरूर देखना क्योंकि उसमें हम लोग टेक रैप्टर और टेक स्टेगोसॉरस को पकड़ने का ट्राई करने वाले हैं। ये हम लोग दोनों ट्राई करने वाले हैं पकड़ने का। सो आई होप बिना मरे और उनको बिना मारे हम लोग ये कर पाएं। मैंने टेक रैप्टर को ऑलरेडी थोड़ा मार दिया था यार, उस मतलब हमारे बंदे ने मार दिया था उसको, अर्जेंट ट्रैविस ने। सो आई होप कोई दिक्कत ना आए यार, आई जस्ट होप सो, पर देखते हैं, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। चलो गाइज बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।